आपका स्वागत है। आज थैंक के यू। मेहमान गेस्ट एक्सपर्ट विशेषज्ञ विनीत जैन जी हैं, जो 50 साल पहले आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की, और पढ़ते ही समय ही मन बना लिया था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाऊंगा और अपना स्टार्टअप बनूं। और आपने, वैसे तो देहरादून के निवासी हैं, मगर जयपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना क्योंकि आपका कहना यह है कि उस समय यूपी में पावर क्राइसिस ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, और जयपुर में, राजस्थान में ये सब आपको मिल सकता था। तो विनीत जैन साहब, ये जो चैनल है हमारा, वो इसलिए है, जी सच बताते हैं हम ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें ना रह जाएं। आपका जो अनुभव है वो ऐसे जी नहीं चला जाए, आगे वाली जनरेशन को जो आपने कठिनाई फेस की है और आप जो सफलता के मंत्र दे सकते हैं वो हम चाहते हैं आपसे वार्ता के दौरान जाने, ताकि भविष्य हमारे आने वाली जनरेशन का उज्जवल हो और इस लेगेसी के झंडे आगे गढ़ते रहें। मैं थोड़ा विनीत जैन साहब के बारे में और ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपना स्टार्टअप एक फाउंड्री से शुरू किया था, और आपने, आपकी जो स्टार्टअप था सिर्फ 2 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था उस जमाने में, तो नाना प्रकार की कठिनाइयां रही होंगी। और आपकी जो फाउंड्री थी, इंडिया में फर्स्ट ISO सर्टिफाइड थी नहीं आप। नहीं सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंडिया में फर्स्ट नहीं थी, खाली अच्छा ये जयपुर या राजस्थान कह सकते हैं एट द मोस्ट, बट देन दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए, कोई नहीं। और आपको भारत सरकार ने, जो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, सम्मानित किया, कई नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया। आपने टोयोटा, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, तमाम कंपनियों को फिनिश प्रोडक्ट्स, CNC और ऑटोमेटेड मशीन्स तक अपने प्रेमिसेस में फिनिश करके पहुंचाए, और उसकी काफ़ी सराहना हुई। 25 वर्षों से आप विदेशों में, USA, जर्मनी, फ्रांस में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जैन साहब आपसे कि आपने फाउंड्री को ही क्यों चुना, और कैसे आपने आगे बढ़े, और क्या कठिनाई शुरू में थी जो अब नहीं है बच्चों को? फाउंड्री के पीछे जो अट्रैक्शन था वो ये था कि वी कुड प्रोड्यूस अ पार्ट टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली सी, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड एज सुरेंद्र इज गॉट वास्ट एक्सपीरियंस इन मैकेनाइज फाउंड्री। इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग फील्ड एंड इट इज नॉट इजी टू प्रोड्यूस अ पार्ट, बट देन यस आई हैड एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कुड स्टार्ट अ फाउंड्री एंड आई स्टार्टेड विद सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग्स एंड आई वॉज मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर लाइनर्स एट दैट टाइम। देन आई ग्रेजुअली गॉट इन टू ग्रे आयरन कास्टिंग, इट वॉज ग्रीन सैंड मोल्डिंग एंड दैट इज वेयर वी आर टूडे। We still continue to produce castings out of green sand molding, mechanized high pressure molding line. Surendra, नहीं, आप कुछ बोले? हाँ मेरा प्रश्न जैन साहब ये है, एक्चुअली जी 2 लाख की पूंजी से उस जमाने जी में एक एक सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप स्टार्ट कर पाना कितना संभव था? और नहीं देखिए सर, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट इंजीनियर को लोन देती थी, इंजीनियर एंटरप्रेनर को,
उसकी सीलिंग 2 लाख रुपए थी विदाउट एनी सिक्योरिटी और विदाउट एनी अदर बैकिंग. तो चॉइस अपने पास उतनी ही सी थी कि भाई 2 लाख रुपए मिलेंगे और 2 लाख का यूटिलाइजेशन आप ऑप्टिमल कर लो एंड देन ग्रेजुअली यू कैन एड ऑन द मशीनरी इक्विपमेंट एंड इम्प्रूव द प्रोसेस अपग्रेड द प्रोसेस. आपको नहीं लगता था कि पूंजी की कुछ कमी रही जिसकी वजह से जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाए और या क्या? डेफिनेटली सुधीर भाई पूंजी की कमी थी और रही और हमेशा रही जी. क्योंकि सी अगर आप फैमिली बैकग्राउंड आपका बिजनेस का है and you have assets to mortgage, then any financial institution will come forward and give you the money. लेकिन आज की तारीख में कोई भी financial institution पैसा उतना ही देता है. पहले आपकी नेटवर्थ वो assess करता है, वो अपनी सिक्योरिटी पहले कवर करता है. मान लीजिए आपकी नेटवर्थ X है तो probably he will give you 50-60% of your नेटवर्थ. उसके ऊपर की वो सिक्योरिटी को ट्रीट नहीं करते हैं, they don't encourage. चाहे आज आप स्टार्टअप की बात कर लीजिए, स्टार्टअप में ठीक है इट्स अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज बीइंग पब्लिसाइज्ड नाउ. अब उसके अंदर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना ली आपने एंड यू टेक मनी फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग. तो उनको भी आपको अनलेस यू गिव रिटर्न्स हैवी रिटर्न्स दे विल नॉट कंटिन्यू. आप दिक्कत नीचे साहब एक्चुअली ये है ये. किसी भी आईआईटी का ग्रेजुएट आईएम का ग्रेजुएट अंबानी इस तरह का नहीं हो पाता. मुझे लगता है कि 1000 अंबानी होने चाहिए देश में. इस तरह से नहीं साहब, साल में एक अंबानी पैदा होगा और विनीत जैन. नहीं साहब, हाँ नहीं साहब, मैं उससे एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि ना तो हम अंबानी बन सकते हैं ना हम बनना चाहते हैं. क्योंकि अंबानी बनने के लिए जो जो करना पड़ता है वो हम ना करने में सक्षम ना करेंगे, प्रिंसिपली भी नहीं करेंगे. इट इज नॉट अ इजी वे. आज आप अंबानी की बात करिए, अडानी की बात कीजिए, बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं वो सीधे रास्ते चल के कुछ भी नहीं होता. तो ये तो बहुत गलत स्टेट ऑफ अफेयर है कि जब आप जैसा विद्वान ये कहता है के साहब जो है वो अच्छे अच्छी मानसिकता के साथ वेल्थ जनरेशन नहीं हो सकता. आप ये कहना चाहते नहीं हो सकता बिल्कुल. I fully vouch for that. ऐसा नहीं है. देखिए आज की तारीख में टैलेंट देखी जाती है, बहुत सारे फाइनेंसर मिलते हैं, फंडिंग करने के लिए लोग तैयार हैं. आपके पास आइडिया हो तो यू कैन गेट लॉट मेनी मनी. आप वो जो भी फंडिंग करने के जो भी फंडिंग करता है फंडिंग के पीछे कॉज नहीं होता है. फंडिंग के पीछे उसको ही हैव टू हैव अ विजन वेयर हिज मनी विल ग्रो इन इनऑर्डिनेट वे. उसको रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप दे सकते हैं. आपका पैसा होगा, आपका विजन सही है, आपका मैनेजमेंट सही है, आपकी प्लानिंग सही है, आपका कैश फ्लो सही है, तो रिजल्ट क्यों नहीं देंगे आप? दे ही सकते हैं. देखिए साहब, एनी बिजनेस हैज अ साइकिल. अगर किसी भी बिजनेस को आप उठा के देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, इट इज आइदर 3 years ऑफ गुड बिजनेस एंड 2 years ऑफ बैड बिजनेस और अदरवाइज 3 years ऑफ बैड बिजनेस 2 years ऑफ गुड बिजनेस. No business can be steady and remunerative for all the 5 years. And then जो global trends आते हैं, requirements आती है, economy की condition matter करती है, there are so many factors which come into play. भाई सिन्हा साहब ऐसा है कि मैं भी कुछ question पूछ लूं अगर allowed है तो. आप ही का number है. और मैं पहले तो आप थोड़ा ज्ञान तो दो सर. सुरेंद्र भाई कुछ ज्ञान तो दो. हम तो आपके आगे अज्ञानी हैं. नहीं कॉल साहब,
बाउंड्री लाइन के हैं बेसिकली बहुत एक्सपर्ट हैं बहुत आई नो अनुभव है ही कैन पुट अ क्वेश्चन बिफोर यू दैट इज व्हाई डेफिनेटली प्लीज मिस्टर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम टू आस्क मेरे को जो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपने जो अपना इंडस्ट्रियल जो इनिशिएटिव लिया वो आपने सीधा फाउंड्री डाली या पहले यू हैड अ मशीनिंग शॉप नो एंड टू फुलफिल द मशीनिंग शॉप आपने फिर फाउंड्री डाली नहीं पहले फाउंड्री डाली अच्छा ओके एंड देन एट दैट टाइम वी वर आउटसोर्सिंग द मशीनिंग राइट एंड देन वेरी सून वी रियलाइज दैट बाय आउटसोर्सिंग वी कैन नॉट सर्वाइव एग्जैक्टली So we started machining also. And very soon came a state where we are giving a product ready to use to our customer anywhere, wherever he wants it. So he, right. The part is fully completed, finished. They need to only assemble it. Right, right. See, ये trend मैंने जो है ना इंडिया में जब मैंने यहाँ पे अपनी consultancy शुरू करी Yes. So I saw this trend, smallest of the smallest foundries to the biggest of the biggest foundries. Yes. The casting supply jo hai, that did not have enough margins. Yes. The only margin which came was ki bhai, direct to use, direct to assemble. Yes. Aur usme jo hai, machining somehow for some reason, and this is something where I would like your attention to be brought on. Yeah. And that is, the foundry product as such did not give good margins, but yes. The moment you put machining on it, yes. Suddenly aapki jo hai profitability jo hai wo double triple three times nahi improve hoti hai, no doubt about it. And the other thing is, the person who is buying, he gets a product which is good to use, you know. Right. Kitni bhi aap achhi casting kar liye, nobody can guarantee zero rejection. Right. So when you supply the part, so you are supplying only good parts which are truly machined. Right, right. So buyer ka headache bahut ghat jata hai. Because lot many people who are into machine shop, they have gone for backward integration and unhone casting shuru kari hai. Right, right. Many big companies. But then I understand, because that is not their forte. So it has pulled them down. राइट तो इसमें आपने भी मतलब वही चीज क्या कहते हैं फॉलो करी जो कि व्हिच बिकेम एक्चुअली अ फाउंड्री ट्रेंड एंड यूज्ड प्रोबब्ली वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन डूइंग सो आई कांट से आई वाज द पायनियर बट डेफिनेटली आई वाज थिंकिंग ऑन दैट लाइन फ्रॉम डे वन दैट वेरी सून दैट वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ मशीनिंग एंड देन मे बी 30 इयर्स बैक यू नो From conventional machines, we switched over to CNC machines. Right. And by 2000, we had, you know, done away with any conventional machine in the shop floor. Right, right. So today, we don't even have a single machine which is conventional or traditional, you know, whether it is a lathe or a milling or anything, any other kind of a machine. So you have because, gone into all CNC machines, all automated? All CNC machines, yeah. All CNC machines, yeah. Yeah. We have plant at two locations, so all put together, we would be having close to about 70 CNC turning centers right. And vertical machining centers with four axes, which is programmable. Achha, one of the objections when I was trying to sort of push for, you know, Desamatics, as you know very well, you know, high production molding machines. Yes. The biggest problem I faced was ki nahi ji labor cost hamari itni kam hai ki hamare ko wo vara nahi khata jise kehte hain hindi mein ki hamare ko jo hai it is not economically viable to have diesel-matic. To ye us time matlab I am talking about this was let's say in late 80s mein ye argument sunne ko milta tha ठीक है जी हम ऐसा कर नहीं सकते लेकिन सुरेंद्र एज यू नो इन 2006 आई गॉट अ रीकंडीशन डीजामेटिक फ्रॉम जर्मनी राइट राइट या एंड आई यूज दैट मशीन आई वर्क प्रोड्यूस ऑन दैट मशीन
for almost 5 years till we sold that company. Acha, okay. So, machine is very, very good and it is high productivity machine. But then the kind of volumes which are there in India, it doesn't justify. Yep. Even if you go to lekin ab to shayad, I think up to kafi volumes badh gaye because the automotive industry has expanded like crazy. So that is right, but so the thoda bahut aa gaya hoga because there are a lot of foundries who are enjoying dramatic you know high production machines. Yeah, yeah. See, I mean depending upon the size, like I had MK2, so the box size was 600 to 450, you know. So that is a limitation. And then the weight is a limitation. Right. Because and all that was there. And you should be able to produce you know small parts, medium parts, everything. Right. Ab aaj ki tarikh mein agar aap Maruti le lijiye, Maruti would be buying say 200,000 parts for one item. Right. Out of that 200,000 parts, they would probably buy it from 3 or 4 sources, you know. Yeah. So one will get only 50,000 parts. Yeah. And if you were to produce in a Dizamatic, Dizamatic would make about 600 parts an hour. Right, right. Yeah, so taking mold speed of 300, two parts being in the mat plate. Correct, so correct. 20 hours of working, you make 1,200 parts, you know. Right, right. But not 1,200, it will be even more. Yeah. 600 parts an hour and 20, it will be 12,000 parts a day. Mm. So that is a pretty big volume. Yeah. But European countries or American locations have requirements which are much larger. And then lot many customers are buying only single floor. Right, right. Like I deal with Honda cars. So Honda, Japanese have a concept that they buy only from one supplier. Mm. They don't buy from two suppliers. They buy it only from one supplier because they say otherwise we face problem in traceability. If there is a complaint on the field, then how do we figure out whose part is that? No. So that is why they buy from one supplier only. Right. So then subsequently in 2018 when I was putting up a fresh HPML, then I went for a horizontal line. And it was with box. So now I have a line which is, you know, making box size is 650, 750. Achha. Okay. And this so is also, with that also a, there is a match or which machine do you have? This is supplied by this French company. Just trying to recall the name. Sorry, I mean, my memory is not helping me right now. Yeah. It is being serviced by Rhino in India. Okay. So now the situation is that there are 200 diesel machines in India. Yes. Yes. And you're right. I think we are the number two volume wise or rather weight wise. Number two casting producers in the world after China. Must be. Must be. So we are producing something like, I think 12 million tons? Mm-hmm. Or something like that, the last count I remember. But when you talk about number two, China is somewhere around 45 million tons. So the gap is huge. Yes. Huge. But how many diplomatics are US of used India? To be US used to be number two, but we have surpassed US because US the production has gone down now. Yes, you're right. So my question would be that how many of the companies in China would be using diplomatics? Oh, there is a huge market for us. I don't remember exact number of diplomatics, but I would take a wild guess. It must be at least 500-600. Okay. Must be. Yeah. 500-600. Yeah. There was a time. In fact, I was at the peak of my career. China was our biggest customer at that. Mm. Every year, we used to sell something like
7, 8, 9 machines every year. Okay. And correspondingly, naturally, they wanted a foundry expert to give them technical know-how. And next. I have traveled in China very extensively during those time. Okay. So but, it was a good run while it lasted. Have you developed any model beyond 230 in Dynamatic? Mm-hmm. Have you developed any model beyond 230? Oh, yeah. Many. Okay. We went right up to a box size of 1200 by 900. Okay. And flask size? I mean, 1.2. There is no flask. It's a flaskless line. Okay. So the width is 1.2 meters. Mm-hmm. And the height of the mold is 900 millimeters. Wonderful. And the speed would be, say, about 300 molds an hour? This would be, I think you're right. It was about 300 molds per hour, yeah. Yeah, okay. Because the challenge was to get a sand plant to supply that kind of sand amount. That's true. It was like every mold was weighing about a ton. Yeah, you're right. So where would you get 300 tons capacity of a sand plant? Right. That was a challenge in itself. And then, not along that, then the challenge was to get that kind of melting capacity. No. Like melting, of course, is possible. Yeah. So melting also capacity possible. Also was a big challenge. Yeah. No, that is possible. But as you said rightly, getting sand and without the control of sand, nothing can happen. Exactly. So that of course is very important. If I go into detail, that the challenge was to match the sand quality to bear something like 10 to 11 kilos per second, the metal rate, which we were pouring. Pouring rate. Yeah, pouring rate. It was 10, 11, 12 kilos per second. Per second. Yes. That was a huge challenge. So I had to design, those gating systems to accommodate that so that we didn't have sand inclusions and, rest of it. The founder defects which you are very familiar with. Yeah. So, but we did it. We did some tricks with the molding sand. Yeah. And the gating system. Some of the things are, product specific also. You cannot adopt same logic for each and every part. In foundry, for each and every part, you have to redesign the gating and work upon the properties of sand and things like that. Yeah. Climate also plays a very important role. Yep. Because in places like Jaipur, India, that machine has not come. I think the maximum size is the Brakes India. Mm-hmm. They have a machine size. I think the mold size is like 900 by 650 or something like that. Okay. That is one size bigger than 230. Yeah. That machine is 2130. Yeah. Because Munjal Kiru has 230, I guess. Right. So 230 size ki machine is very popular in India. Yeah, because later on, I think two machines were purchased by M-Tech as well. Yeah. So, Kalsa, main chahunga ke bahut zyada technical baatein na karke kuch aisi baatein kare jo sabke interest ki ho. Logon ke interest ki ho. Right. Aur technical cheeze har ek ko na samajh mein aayengi. और ना उसके लिए हमारा ये चैनल ही है मैं तो ये जानता हूं कि हमें विनीत जैन साहब ये बताएं कि आने वाले समय में जो चैलेंज है देश के सामने उसको कैसे मीट आउट किया जा सकता है और किस तरह की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए जो नहीं है और
और आज के मैं पिछले जब आपने शुरू किया था इस तरह के एवेन्यूज अब बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो आपको कठिनाई हुई वो आने वाले समय में को फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं होगी, इसके बारे में हमें जानना। देखिए देखिए मैं पहले तो चीज आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो एंटरप्रेनर के अंदर ड्राइव होना चाहिए। खाली वो गवर्नमेंट सपोर्ट या उसके भरोसे इंडस्ट्री ना लगा सकता है ना कामयाब कर सकता है। नंबर वन, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी गर्मी सर्दी झेलनी पड़ेगी, काफी दुख सुख झेलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है इट इज लाइक प्रोवाइडिंग अ क्रच। आप बैसाखी पे क्यों चलना चाहते हो, आप अपने पैरों पे चलो ना। और जो भी गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि साहब स्टार्टअप को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, मेरा इनमें थोड़ा विश्वास कम है, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके लिए तो वो दे कम फोर्थराइटली एंड उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। छोटे मैन्युफैक्चरर को छोटे एंटरप्रेनर को वो सारी सपोर्ट नहीं मिलती, उसको पिलर टू पोल धक्के खाने पड़ते हैं एंड जब तक कोई गॉड फादर नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज में कमी है, या तो आप उस कमी की कीमत देने को तैयार हो, ब्लैकमेलिंग करने को होने को तैयार हो तो फिर बात अलग है, देन यू कैन, फिर तो आप गलत सही कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्पेशली फ्रेशर्स हैं उनका भविष्य बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है एंड दे शुड नॉट नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना इज मोस्ट एडवाइजेबल बिकॉज यू आर योर ओन मास्टर। बट अगर अपन दूर से देख करके सोचे कि भाई ये इसके अंदर तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम भी करना पड़ेगा। आप ये सोचे अपने मैनेजर रख लेंगे, सेकंड लाइन रख लेंगे, थर्ड लाइन रख लेंगे, उनके ऊपर छोड़ के घर में बैठ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, सिचुएशन ड्रिवन होते हैं। देखिए ये चीज तो पहले भी थी अब भी है, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो हवा बन रही है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, हमारे पास स्कोप्स हैं फ्रेशर्स के लिए काम करने के लिए, उनको किस सुविधाएं दी जाएं, उसकी किस तरह की सोच हो जिससे कि वो आपसे भी आगे बढ़ सकें, इसके बारे में। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो भी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है या बोलती है उसकी ग्राउंड लेवल रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए ना। वेयर इज द कंट्रोल ओवर दैट, उसकी मॉनिटरिंग खाली पेपरों में होती है। जो आदमी परेशान होकर 10 चक्कर लगा रहा है क्यों लगा रहा है भाई, हु इज आस्किंग होम, कौन किससे पूछ रहा है, वो तरीका बताइए ना। एक तो पहले ये बताइए कि कितना आपको 20 लाख 2 लाख मिल गया था, आज की तारीख में कितना लोन मिल सकता है और कितने दिन में मिल जाता है, और देर में देखिए अगर आप एवरीथिंग इज इन ऑर्डर तो कम से कम महीना भर तो लगेगा। अगर एक महीने में आपको पैसा मिल जाता है यू आर वेरी फॉर्चुनेट। 2 लाख के बदले आपको आज की तारीख में किसी स्टार्टअप को कितना पैसा एक महीने के अंदर मिल सकता है अगर उसकी रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट उसकी रेडी है। देखिए रिपोर्ट जो आप बना के लेके आओगे वो उसका कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू असेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड अनलेस आप उसके नॉर्म्स को मीट आउट नहीं करते करोगे तब तक वो आपको फंडिंग नहीं करेगा। क्या नॉर्म्स है ऐसे जिसकी वजह जिनको भाई हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, हमारा कैश फ्लो है, हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट डिमांड, वो सब कुछ
देखिए साहब, वो सारी चीजें इमेजिनरी है अभी जब तक नया प्रोजेक्ट है। आप ये मानते हो इतने का माल बिक जाएगा, आप ये मानते हो इतना पैसा आ जाएगा, आप ये मानते हो रॉ मटेरियल इतने का लग जाएगा, इतने की बिजली लग जाएगी, ये सारी अजम्पशंस हैं। रियलिटी में क्या होगा वो तो टाइम बताएगा। नहीं तो आप तो और ये कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी एडवाइजर आपको बहुत एक रोजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट उसी तरह चलेगा। तो बैंक के अपने, बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स पे असेस करते हैं। उन नॉर्म्स के अंदर आपका डेट इक्विटी रेशियो भी आएगा, करंट रेशियो भी आएगा, डेट सर्विस डीएसआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी आएगा। देखिए तो नहीं विनीत जैसा, मेरी बात सुनिए, आपने 50 साल पहले जब धंधा करने की सोची तो आपको 2 लाख मिल गए और शायद 1 महीने में मिल गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आज की तारीख, नहीं उस टाइम तो खैर, आज तारीख उस टाइम पे तो थोड़ा ज्यादा समय लगा था। नहीं अच्छा, तीन महीने लगे थे। अच्छा मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में 2 लाख की 20 करोड़ मानिए, हम 20 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और 2 करोड़ की या 10 करोड़ की, कितने करोड़ की फंडिंग, कितने रुपए कब तक मिल सकती है आदमी को? और देखिए, अगर आपको 20 करोड़ की प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 करोड़ रुपया आपकी जेब में होना चाहिए मार्जिन, 25% मिनिमम, 25%। आपके पास 25% है लोन, आपको कितना मिल सकता है? देखिए, अगर बाकी आपके रेशियोज मीट आउट हो रहे हैं, आपका सिक्योरिटी है, तो आपको लोन इनफाइनाइट ले लो, कितना भी ले लो आप, कुछ नहीं है। मान लीजिए आप जैसा फ्रेशर नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 लाख से आपने काम चलाया, आज की तारीख में 2 करोड़ नहीं मिलेगा तो आदमी काम कैसे करेगा? सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में उन्होंने बैंकों को कह दिया लोन दो, कितनों को लोन मिला ये बता दो आप, स्टैटिस्टिक्स आपके पास है तो। देखिए हम यहाँ पे इसलिए नहीं है कितनों को नहीं मिला, हमारा कहना नहीं कितनों को मिला, मेरा सवाल मैं थोड़ा सा कुछ इसमें लगता है जैसे थोड़ा इम्पास आ गया है, मैं थोड़ा सा कुछ इसमें इंटरजेक्ट करूं इफ यू डोंट माइंड। हाँ देखिए सिन्हा साहब, ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि एज इफ जो प्रोजेक्ट का दारमदार या जो भी कुछ बोलते हैं बेस जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि फंडिंग कितनी है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो फंडिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट फंडिंग नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे स्टार्टअप हो या कुछ भी हो या किसी और चीज में वो फॉलो कर रहा है, इज नॉट डूइंग अ स्टार्टअप, इज नॉट अ इनोवेशन और एनीथिंग लाइक दैट। बट यूर कॉपिंग सम अदर पर्सन कि भाई ठीक है 5 फाउंड्रीज बड़ी अच्छी चल रही है, उनका बिजनेस चल रहा है, तो आपने कहा चलो जी 6th फाउंड्री मैं भी लगा देता हूँ बिकॉज देयर इज मार्केट फॉर इट और व्हाटएवर। तो पहले तो आपका आइडिया जो है वो सटीक होना चाहिए कि आप जो भी कुछ बनाने वाले हैं उसका कोई कमर्शियल वायबिलिटी हो। वो तो फीचर है भाई साहब, सुन लीजिए कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं 5 वो प्रोडक्ट बेच दिए और बल्ले बल्ले हो गए। नो, इट हैज टू हैव ए फ्यूचर इन इट, इम्बाइब्ड इन इट। दैट मींस कि मतलब कम से कम भी भाई 7-8 साल का, 5 साल का, 10 साल का उसमें विजन होना चाहिए कि भैया ये बिजनेस आगे जाके एक्सपैंड करें। तो इसमें आप इस पे मत निर्भर करिए कि बैंक हमें कितना पैसा देगा क्या, पहले अपने आइडिया को सुदृढ़ करिए, उसके बाद आप उसको एक्सपेंशन के बारे में सोचिए, उसके बाद जो है रियली विद ड्यू डिलीजेंस आप अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद फिर आप फंडिंग शंडिंग की बात करो। और फंडिंग शंडिंग के लिए जैसे ये वनी साहब ने बोला है, आप फंडिंग ये नहीं कि आपने आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्शन दे दिया और आपने कहा हाँ जी बस हमें 20 करोड़ दे दो और हमने अपना प्लांट लगा लिया और सब कुछ ठीक ठाक हो। आपके पास कोलेटरल होना चाहिए, आपके पास कोलेटरल होना चाहिए कम से कम भी 80 करोड़ का या एटलीस्ट 70 करोड़ का, तब आपको 20 करोड़ वो आपको देंगे, क्या कहते हैं लोन मिलेगा आपको बैंक से। ये आप गलत कह रहे हैं, देखिए ऐसा है, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि आप जो है ना आप फिर वहां पे जा रहे हो नहीं जी, फिर गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है एटसेट्रा। बैंक जो है दे वॉन्ट टू प्ले वेरी वेरी सेफ,
अब आप मेरे को ये नंबर लेके पकड़ दे पकड़ के बैठ जाओगे भैया चलो 26 चलो 30 करोड़ का आपके पास कोलैटरल होना चाहिए बट यू हैव टू हैव ए सब्सटेंशियल कोलैटरल टू गेट एनी काइंड ऑफ फंडिंग फ्रॉम द बैंक्स. वो जमाने गए जब कांग्रेस उसने जाके इंदिरा गांधी ने फोन कर दिया ये कर दिया वो सब नहीं अब होता. अब आपके आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें तत्व हो और उसके अलावा जो है भाई साहब आपके पास हो कोलैटरल या तो कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया हो कि आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई आपने कहा साला बस एक साल के अंदर अंदर मैं जो हूँ एक फाइटर प्लेन बनाने वाला हूँ जिसका कोई मैच ही नहीं है पूरी दुनिया में. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो या तो आपका ऐसा ब्रिलियंट आइडिया हो कि जिसमें बैंक है ठीक है यार इस पे तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ बिकॉज इट्स सच ए यूनिक आइडिया और ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिर्फ आपके पास. देखिए तो तब जो है वो चीज जो है वो रियलाइज हो सकती. आप समझने की कोशिश करिए हम इम्पोर्ट सब्सिट्यूट. मैं तो सब समझ रहा हूँ भाई साहब लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं कि आप भी पास है फंडिंग पे आ जाते हो. आप वनीत साहब को आप बार बार कह रहे हो नहीं देखिए फंडिंग कैसे होगी फंडिंग कैसे होगी नहीं नहीं कॉल साहब समझने की कोशिश करिए. हवा में फंडिंग में कोई नहीं आ रहा है. इम्पोर्ट सब्सिट्यूट है मार्केट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट है सब एक्सरसाइज करने के बाद हम बैंक के पास जा रहे हैं हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं. हम 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं. हमारे पास असेट्स मुश्किल से 25% ही है. क्या आदमी आगे नहीं बढ़ सकता. मैं मिस्टर जैन से ही पूछना चाहता हूँ कौन मना कर रहा है आप बढ़ो ना. तो कौन मना कर रहा है भैया. वो तो फिर आप जाके जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या आपके जो बैंक्स हैं आप उनसे बात करो और अगर आपकी बात में दम है आपके प्रोजेक्ट में दम है तो उसके हिसाब से वो आपको क्या कहते हैं फंडिंग देंगे या आपको सहायता देंगे या जो भी कुछ है वो तो है ही. उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती. It is a decision, बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मना नहीं कर रहा. आप विनीत मना कर रहा है मैं मना कर रहा हूँ. हम दोनों सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या आपका जो आइडिया है या जो भी कुछ आप लेके जा रहे हो गवर्नमेंट एजेंसी के पास या बैंक के पास उसमें तत्व होना चाहिए इतना कि उसको लगे कि हाँ भाई ये आइडिया जो है इतना यूनिक है इतना डिफरेंट है कि ये तो दुनिया में पहले कभी बना ही नहीं या चलो दुनिया की छोड़ो देश में नहीं बना. और ये जो है डेफिनेटली इट विल बी ए कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट. इस पे जो है धन हम थोड़ा बहुत रिस्क ले